हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक कन्नड़ा मूवी के सॉन्ग को रिएक्ट करने वाला हूँ और मूवी का नाम है कंबली हुला और सॉन्ग का नाम है लाली लाली, जिसे अरफाज उल्हाल ने गाया है। तो बिना किसी देरी के पहले सॉन्ग देख लेंगे और फिर करेंगे चर्चा कि इस सॉन्ग में है क्या। चलो, इमोशनल लग रहा है भाई। स्टार्टिंग से ही कोई इमोशनल सॉन्ग होने वाला है डेफिनेटली। वी मिस यू पुनीत राजकुमार सर। ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಲು ನೀನು ಓಕೆ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮದರ್ ಆರ್ ಸನ್ ಕಾ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲು ನೀನು ಚಂದ ಮಾಮನ ತೋರಿಸಿ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ರಾಜಕುಮಾರನು ನಾನು ओके फ्लैशबैक था वो। ओहो आवाज यार, आई थिंक ये उस लड़के का पास्ट है, ये प्रेजेंट है। म्यूजिक यार, ओके ये सिंगर है अरफाज। आवाज काफी अच्छी है बंदे की। ये पीछे बीट जो बज रही है बहुत सही लग रही है। जोतेगे निंते तलिया सवरिद कैगळा तड़दु निल्लिसि होरटेनो आरितप्पिदा मगनु नानु ओके। अच्छा, उसको याद आ रहा है वो सब। अच्छा, हॉस्टल में डाल दिया था। वॉयलिन यार, ट्रक आ रहा था। इमोशनल हो गया बंदा, कितने साल बाद मिलेगा अपनी मॉम से। ओके, दिखाया ही नहीं। ओ
आई थिंक ये मूवी का क्रू है पूरा का पूरा, और उनकी मदर्स के साथ फोटो, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया यार मदर्स को, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एंड में ये फोटो इंक्लूड कर गए, बहुत ज्यादा इमोशनल सॉन्ग था यार, मतलब सही में जो म्यूजिक जो वॉइस जो इंस्ट्रूमेंट जिस तरीके से कंबाइन करके जो सॉन्ग बनाया, इतना सोलफुल सॉन्ग लग रहा है। और खासकर 5 मिनट, 5.5 मिनट का था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब निकल गए 5.5 मिनट, इतना मैं अंदर चला गया था सॉन्ग के, उसके म्यूजिक के खासकर, क्योंकि इतना अच्छा रिदम था, इतना अच्छा म्यूजिक था, सोलफुल म्यूजिक था इसका। और जैसे मैंने कहा कि जो बीट थी वो ढिट 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 ढिट, वो जो बीट थी कहीं ना कहीं वो एक हार्ट बीट जैसा काम कर रहा था इस पूरे सॉन्ग का, कि वो उसको सोल दे रहा था बार बार जैसे वो बीट आती थी। आप वो उसका इम्पैक्ट यहाँ सुनते हुए फील कर पा रहे थे कि वो उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा था वो ड्रम का। और वॉयलिन, और ये वॉयलिन तो जब शुरू हुआ तो वो तो अलग मैजिकल ले गया सॉन्ग को, बहुत बहुत अच्छा वॉयलिन इसमें यूज़ किया गया है। और बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे म्यूज़िक को। और कंपोजिशन बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इमोशनल जिस हिसाब से इन्होंने बनाने की कोशिश भी की है कि मदर और सन का जो रिलेशन होता है उसको कहीं ना कहीं हम तक पहुँचाने के लिए जो म्यूज़िक इन्होंने इस्तेमाल किया बहुत ही ब्रिलियंट लग रहा है। और विजुअल्स की बात करूँ तो आई थिंक स्टोरी मेरे ख्याल से वो लड़के की चल रही थी, आई थिंक वो हीरो ही है, उसका और उसके माँ के बीच का जो बॉन्ड है बचपन से अब तक कैसे हुआ है और एंड में कहाँ छोड़ा यार, वो ज़बरदस्त है। हो सकता है ये मूवी के लिए छोड़ा हो कि भाई आप मूवी में जाके देखो, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा कि वो घर तक पहुँचता तो है लेकिन वो दरवाजे के आगे उसकी मॉम होती कि नहीं वो पता नहीं। लेकिन एंड में जो ट्विस्ट था वो बहुत अच्छा था कि उन्होंने, आई थिंक वो पूरा का पूरा फिल्म क्रू है, हीरो एक्ट्रेस एक्टर एक्ट्रेस और बाकी के जितने लोग हैं, आई थिंक सबकी अपने मॉम के साथ वो फोटो को डालना बहुत ही ब्रिलियंट ट्रिब्यूट है कहीं ना कहीं एक मदर्स को, कि भाई उनके बिना हमारी लाइफ क्या, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से म्यूज़िकली हमें बताने की कोशिश की है, बहुत अच्छा लगा मुझे सॉन्ग, सही में बहुत अच्छा लगा, म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा। और सही में यार मैं तो पूरी तरीके से इन्वेस्ट हो गया था इसके अंदर और एकदम खो गया था। और आपने भी यही फील किया तो गाइज आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको सॉन्ग कैसा लगा इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।